अलगम स्टूडेंट्स मैं हूँ आपका टीचर ज़ुबा स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज फोर ए का क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है मैं रीड कर लेता हूँ गिवन यूनिवर्सल सेट इज़ एकचर बिटवीन वन एंड टेन इनकलोजे तो हमारे पास सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट गिवन है ठीक है और वो कुछ यूँ है कि एक्स एक एलिमेंट है और वह एलिमेंट जो है वो एक इन टीचर है बिटवीन वन एंड टेन और वन और टेन के दरमियान लेकिन इंक्लूसिव इंक्लूसिव यानी कि वन और टेन भी उसमें शामिल है ठीक है यानी एक तो वन और टेन के दरमियान और फिर उसमें वन और टेन भी शामिल है ठीक है यानी कि वन से लेकर टेन तक जो इंटीजर्स हैं उनका सेट आ जाएगा ठीक है इसके बाद बी जो सेट गिवन है वो कुछ जूँ है कि एक्स आइड एक्स इज एन ई वन नंबर तो एक्स एक नंबर है और वो नंबर जो है ई नंबर है ठीक है तो ये सेट आ जाएगा इवन नंबर्स का सेट ठीक है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमने लिखना है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड सेट बी इन सेट नोटेशन ठीक है तो ये जो यूनिवर्सल सेट हैं ठीक है एप्सिलॉन इसके और बी सेट के एलिमेंट्स को हमने सेट के अंदर लिखना है ठीक है ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है ठीक है इसको हमने सेट नोटेशन में लिखना है ठीक है तो सबसे पहले देखें यूनिवर्सल सेट आ जाएगा हमारे पास देखें वो क्या है इंटीजर्स है वन और टेन के दरमियान और वन और टेन भी उसमें शामिल है ठीक है तो आ जाएगा वन टू थ्री फोर अप टू टेन तक ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे ठीक है तो ये आ जाएगा हमारे पास एप यानी कि यूनिवर्सल सेट ओके इसके अलावा बी सेट देखें भाई बी सेट क्या है इवन नंबर्स का सेट तो इवन नंबर्स हमने बी सेट के अंदर लिखने हैं ठीक है तो इवन नंबर्स देखें टू फोर सिक्स एट टेन ये सारे इवन नंबर्स बी सेट के अंदर आ जाएंगे ठीक है लेकिन उनकी रेंज क्या है वन से टेन तक क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो वन से टेन तक है तो हमने भी इवन नंबर वन से टेन तक के दरमियान लिखने हैं ठीक है तो बी सेट जो है वो आ जाएगा हमारे पास टू फोर सिक्स एट एंड टेन तो ये वन से टेन तक जो भी इवन नंबर्स हैं वो मैंने लिख दिए ठीक है यूनिवर्सल सेट जो है वो वन से टेन तक है तो आपने इस रेंज से बाहर जो है बी सेट नहीं बनाना ठीक है क्योंकि यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर बाकी के तमाम सेट्स के एलिमेंट मौजूद होते हैं ठीक है थीके? जैसे ये वन से टेन तक है तो बी के एलिमेंट इसमें लाजमी मौजूद हैं टू फोर सिक्स से टेन ये यूनिवर्सल सेट में लाजमी मौजूद होंगे ठीक है थीके? इसके अलावा सी डी ई कोई भी सेट होता उसके एलिमेंट भी इस सेट के अंदर मौजूद होते हैं ठीक है तो ये वो सेट होता है जिसके अंदर बाकी के तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं ठीक है थीके? तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है ठीक है तो वेन डायग्राम जो है मैंने ड्रॉ कर ली है ठीक है इसमें अब मैं एलिमेंट्स लिख लेता हूँ ठीक है सबसे पहले तो बी के एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे टू फोर सिक्स इनको आपने ना सेपरेट सेपरेट स्पेस के साथ लिखने और कोई कॉमा यूज़ नहीं करना ठीक है ये अलग अलग लिखेंगे जिससे पता चलेगा ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं ठीक है थीके? ओके टू फोर सिक्स से टेन इवन नंबर्स तो यहाँ लिख देंगे और बाकी यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे ये देखें यूनिवर्सल सेट के अंदर जो टू फोर सिक्स एट टेन वो तो बी सेट के अंदर आ गए बाकी जो वन थ्री फाइव सेवन नाइन एलेवन है वो हम बाहर लिख लेंगे वन थ्री फाइव सेवन नाइन ठीक है तो ये पांच जो एलिमेंट्स हैं ये बी सेट के हम बाहर कहीं भी लिख देंगे ठीक है तो ये हमारे पास इनकी वेन डायग्राम आ गया ठीक है वेन डायग्राम क्या बता रही है कि ये जो बॉक्स है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है ठीक है और ये जो सर्कल है ये है हमारा सेट बी ठीक है अब सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट थे सबसे पहले ये देख लेते हैं टू फोर सिक्स एट टेन वो मैंने इसके अंदर सेपरेट सेपरेट लिख दिया ठीक है, है। क्योंकि बी सेट के एलिमेंट्स से यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं लिहाजा इस सर्कल को हमने इस शेप के अंदर ही ड्रा किया और ये हमेशा जो भी हम सेट ड्रा करते हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ड्रा करते हैं ठीक है ये जो रेक्टेंगल शेप है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है ये जो है ये हमारा बी सेट है ठीक है तो अब देखें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कौन से हैं वन टू थ्री फोर फाइव अप टू टेन तो हम पूरे करते हैं वन टू अब बी सेट के अंदर था तो ये भी आ जाएगा टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स फिर सेवन फिर सेवन फिर एट फिर नाइन फिर टेन यूँ हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स सा आ जाएंगे वन से लेके टेन तक ये सारे इंटीजर्स ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं ठीक है, है? जिनमें वन थ्री फाइव सेवन हमने बी सेट के बाहर लिखा लेकिन बी सेट भी चूंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रॉ है लिहाजा इसके एलिमेंट भी यूनिवर्सल सेट में शामिल होंगे ठीक है यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ये सारे यू के एलिमेंट्स पूरे हो गए ठीक है और B जो है उसमें सिर्फ टू फोर सिक्स एट टेन है तो इसकी हदूद में सिर्फ टू फोर सिक्स एट टेन ही लिखेंगे ठीक है बाकी ये इसकी हदूद से बाहर हैं इसकी लिमिट से बाहर हैं तो यूँ हम इन दोनों सेट्स की वेन डाइग्राम ड्रॉप कर देंगे ठीक है इसके बाद देखें थर्ड पार्ट ओके तो पार्ट थ्री देखें इसका जी फ्रॉम वेन डाइग्राम लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ बी कम्प्लीमेंट इन सेट नोटेशन ठीक है तो ये जो बी कम्प्लीमेंट है या इसको बी प्राइम भी पढ़ते हैं ठीक है तो ये जो बी कंप्लीमेंट है या बी प्राइम है इसके हमने एलिमेंट्स सेट से नोटेशन के अंदर लिखने ठीक है।, है अब देखें बी का कंप्लीमेंट ठीक है बी कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे हम यू सेट में से बी सेट को माइनस कर देंगे ठीक है तो यू सेट में से बी सेट माइनस कर दें तो वो आ जाएगा हमारे पास बी का कंप्लीमेंट ठीक है अगर मैं आपको इन सेट से समझाऊं ठीक है तो यू सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं वन से लेकर टेन तक और इसमें से मैं बी सेट के एलिमेंट माइनस कर दूँ बी सेट के अंदर कौन से हैं टू फोर सिक्स एंड टेन तो वन से लेकर टेन तक जो नेचुरल नंबर हैं इनमें से अगर मैं ई नंबर निकाल लूँ तो हमारे पास रह जाएंगे और नंबर कौन से और नंबर वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन यही चीज़ अब हम वेन डायग्राम से समझते हैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है जो एलिमेंट्स इनमें कॉमन हैं वो बी के अंदर लिखे हुए हैं ये जो हमारे इस पोर्शन के अंदर जो बी के अंदर मौजूद नहीं है एलिमेंट्स ये सारे के सारे बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे ठीक है मैंने यहाँ से भी आपको फाइंड करके बताया कि इसका आंसर वन थ्री फाइव सेवन नाइन आता है तो ये वन थ्री फाइव सेवन नाइन ये वो एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर मौजूद नहीं है ठीक है ये बी के कॉम्प्लीमेंट्स में आ जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट एकवन एंड नाइन ठीक है तो एक और अंदाज़ से भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये सारे यू सेट है इसमें से सिर्फ बी के एलिमेंट्स को मैं निकाल दूँ ठीक है क्योंकि मैंने क्या करना है यूनिवर्सल सेट से बी को सब करना है तो बाकी कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन तो ये आ जाएंगे बी के कम्प्लीमेंट के अंदर ठीक है तो ये मैंने लिख भी दिए ठीक है तो इस तरह से हम वेन डाइग्राम से देख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका कम्प्लीमेंट क्या आएगा ओके okay, तो फोर्थ पार्ट के अंदर उसने कहा कि डिस्क्राइब द सेट बी कम्प्लीमेंट इन वर्स तो बी कम्प्लीमेंट जो है ये जो आया है हमारे पास उसको हमने इनवर्स हमने डिस्क्राइब करना है ठीक है ओके तो अब देखें बी कम्प्लीमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं ये सारे और नंबर्स हैं ठीक है और नंबर्स जो कि टू के टेबल से डिवाइड नहीं होते है. तो इसका मतलब है कि बी कम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास और नंबर मौजूद है कहाँ से कहाँ तक हैं वन से लेकर टेंथ तक के दरमियान और वन और टेन भी उसमें इंक्लूसिव है ठीक है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन वन एंड टेन इंक्लूसिव ठीक है तो बी कम्प्लीमेंट जो है वो एक सेट है ऑड इंटीजर्स का ठीक है इंटीजर्स भी हैं लेकिन ऑड हैं ठीक है क्योंकि ये सेट जो था वो इंटीजर्स का सेट था ठीक है तो ऑड इंटीजर्स है ठीक है इंटीजर्स भी हैं लेकिन ऑड इंटीजर्स है वन थ्री फाइव सेवन है ठीक है बिटवीन वन एंड टेन इंक्लूसिव यानी वन और टेन के दरमियान लेकिन उसमें वन और टेन भी शामिल हो लेकिन टेन जो है वो देखें एक इवन नंबर है वो इसमें शामिल नहीं हो सकता लेकिन वन जो है वो इसमें हो सकता है क्योंकि हमने जस्ट ऑड नंबर जो हैं डिस्क्राइब करने हैं ठीक है तो इस तरह से जो है हम इसको इन डिफाइन कर सकते हैं कि बी जो है वो एक ऑड इंटीजर्स का सेट है जो कि वन और टेन के दरमियान है ठीक है जिसमें वन और टेन जो है वो भी शामिल है ठीक है तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ और क्वेश्चन नंबर सेवन में रीड कर लेता हूँ इफ टू टेन ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एटी ठीक है तो ये ए सेट गिवन है हमें ठीक है दिस आल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ठीक है तो हमें कुछ नीचे सब सेट गिवन है ठीक है ए के तो हमने उनके एलिमेंट्स को लिखना है ठीक है ए के सबसेट्स बनाने हैं ठीक है तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने सबसेट बनाना है नंबर डिविजिबल बाय फोर ठीक है तो इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो कि फोर से डिवाइड होते हैं ठीक है जैसे फोर फाइव ज़र ट्वेंटी होता है फोर टेन ज़ार फोर्टी होता है ठीक है ठीक है और फोर फिफ्टीन ज़ार सिक्सटी ठीक है और इसके बाद देखिए फोर ट्वेंटी ज़ार एटी ठीक है तो ये सारे नंबर्स फोर से डिवाइड होते हैं जस्ट ये टेन जो है ये फोर से डिवाइड नहीं होता ठीक है तो इसमें आ जाएंगे हमारे पास एलिमेंट्स ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एटी ठीक है ओके तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर ठीक है ओके बी पार्ट के अंदर देखें नंबर्स डिविजिबल बाय सिक्स तो इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो सिक्स से डिवाइड होते हैं ठीक है तो देखें सिक्स से टेन डिवाइड नहीं होता ट्वेंटी भी नहीं होता फोर्टी भी नहीं होता सिक्सटी जो है ये सिक्स से डिवाइड हो सकता है इसी तरह से एटी एटी जो है ये डिवाइड नहीं हो सकता ठीक है थीके? तो इसमें जस्ट सिक्सटी जो है हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है ओके इसके बाद देखें नंबर्स डिविजिबल बाय एट ठीक है तो एट से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं ठीक है थीके? तो एट से देखें इनमें से टेन डिवाइड नहीं होता ट्वेंटी uh, डिवाइड नहीं होता एट फाइव ज़र फोर्टी ठीक है ये होता है इसके बाद सिक्सटी भी नहीं होता और एटी जो है ये डिवाइड होता है ठीक है एट टेन जर एटी ठीक है तो फोर्टी और एटी जो है इसका आंसर आ जा ठीक है ओके नंबर्स डिविजिबल बाय सेवन इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो सेवन से डिवाइड होते हैं तो इनमें से कोई नंबर नहीं है जो सेवन से डिवाइड होता है ठीक है तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास एम सेट ठीक है या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं तो इन दोनों तरीक़ों से इसको आप लिख सकते हैं ठीक है तो सेवन से कोई नंबर इनसे डिवाइड नहीं होता तो इसका आंसर एम टी सेट आ जाएगा ओके तो देखें एक लफ्ज़ यहाँ पर जिक्र किया गया सब सेट का सब सेट का मतलब क्या होता है वो सेट्स जो कि इसी के एलिमेंट के कम्बिनेशन से बनाए जाएँ ठीक है जैसे अगर आप बात करें इस सेट की तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये सब सेट है इस सेट का सिक्सटी भी इसी का एलिमेंट है लिहाजा ये भी सब सेट है इस ए सेट का ठीक है इसी तरह से 40 और एटी ये भी एलिमेंट्स ए सेट के अंदर मौजूद हैं तो फोर्टी और एटी यानी ये जो सेट बन रहा है ये सब सेट है सेट ए का ठीक है और इसी तरह से एम टी सेट ये भी सब सेट है तो एम टी सेट कैसे याद रखिएगा एम टी सेट जो है वो तमाम सेट्स का सबसेट होता है ठीक है तो एम टी सेट भी सबसेट है इसका ठीक है आगे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हम सबसेट्स बनाएंगे ठीक है तो उनमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा ठीक है ओके okay. तो ये था क्वेश्चन सेवन तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके okay, स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन एट की तरफ तो क्वेश्चन नंबर एट देख लें क्वेश्चन नंबर एट में रीड कर लेता वेन डाइग्राम शोज द एलिमेंट्स इन ए एंड बी ठीक है तो ये वेन डाइग्राम बनी है दो सेट्स की एक है इनमें ए और एक है बी देखिए दो सर्कल्स हैं ठीक है और एक ए है और दूसरा बी है ए जो है ये बी के अंदर ही हमने ड्रा किया ठीक है लिहाजा इसके एलिमेंट्स जो ए के हैं वो एलिमेंट्स बी के भी हैं ठीक है यानी कि एस टी यू ये ए के एलिमेंट्स भी हैं और बी के एलिमेंट्स भी हैं ठीक है लेकिन ये जो वी एक्स डब्ल्यू वाई जी है ये इसके एलिमेंट्स नहीं है ये सिर्फ बी के एलिमेंट्स हैं ए के एलिमेंट्स नहीं है ठीक है ओके फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने कहा कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एंड बी ठीक है तो ये बहुत सिंपल है ए सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स हैं ठीक है तो एस टी यू ये ए सेट के अंदर लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम ये इसके एलिमेंट्स हैं एस टी एंड यू ठीक है ओके जैसे मैंने अभी बताया कि ए सेट बी के अंदर ही हमने ड्रॉ किया है लिहाजा ए के एलिमेंट और ये जो बाहर बी के एलिमेंट्स हैं ये तमाम के तमाम सेट बी के एलिमेंट्स होंगे क्योंकि ये सारे के सारे इस बी के सर्कल के अंदर आ रहे हैं ठीक है तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी ठीक है तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी ये सारे के सारे बी के एलिमेंट्स हैं ठीक है ओके okay. तो अब देखें जी नेक्स्ट पार्ट इज़ ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एक्सप्लेन ठीक है अब बताना है कि क्या ए सेट प्रॉपर सबसेट है बी का ठीक है तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है ठीक है सबसेट मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया ठीक है जैसे ए सेट है ये बी का सबसेट है क्यों है क्योंकि एस टी यू ये सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं ठीक है तो ए इसका सबसेट है ठीक है लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या होता है प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि ए के एलिमेंट्स एक तो ये सबसेट होगा कि भाई ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि ए और बी सेट्स दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए तो इसकी मिसाल मैं यूँ दे देता हूँ देखें ये मैंने दो सेट्स लिए अब देखें ए के सारे के सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी लेकिन प्रॉपर सबसेट की ये शर्त है कि ए और बी सेट बराबर नहीं होने चाहिए ठीक है तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं ठीक है लेकिन ये दोनों सेट बराबर बी हैं ठीक है तो देखें ये सबसेट तो है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है प्रॉपर सबसेट तब होगा जब ये ए और बी सेट बराबर नहीं होंगे लेकिन इस केस में बराबर हैं ये सबसेट तो है ए सबसेट है बी का लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है ठीक है प्रॉपर सेट कब होगा जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद होंगे लेकिन दोनों सेट्स बराबर नहीं होंगे इसको मैं इस क्वेश्चन से समझा देता हूँ देखें एस टी यू इसके अंदर मौजूद है ए इसका सबसेट है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है ठीक है लिहाजा ए प्रॉपर सबसेट है बी का ठीक है दो शर्तें होती हैं एक तो ए के एलिमेंट सारे इसके अंदर मौजूद होने चाहिए दूसरा ये कि दोनों बराबर नहीं होने चाहिए ओके तो क्वेश्चन देखते हैं ए प्रॉपर सबसेट है बी का यस एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है देखिए एस टी यू इस सेट के अंदर मौजूद है और ए इज़ नॉट इक्वल टू और ए बी के बराबर भी नहीं है जब ये दोनों कंडीशन टू हो जाती हैं कि ए के सारी एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद भी हैं और ए बी के बराबर भी नहीं है तो ये प्रॉपर सबसेट होता है ठीक है तो ए इज़ अ प्रॉपर ऑफ सेट बी तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन एट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके okay, स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ और क्वेश्चन नंबर नाइन में रीड कर लेता हूँ इट इज गिवन दैट एक्व माइनस टू माइनस वन जीरो तो ए सेट के अंदर हमें कुछ है, है? 0, 1, 2, के वन है ठीक है एंड बी इक्वल्स टू ज़ीरो वन टू थ्री और बी के अंदर भी हमें के वन है ठीक है तो एलिमेंट्स आपके सामने हैं ठीक है ओके okay. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने कहा है कि ड्रा डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ए एंड बी तो ए और बी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेन डायग्राम ड्रा करेंगे ठीक है तो आपने एक वेन डायग्राम ड्रा करनी है सेट ए और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है तो ये मैंने वेन डायग्राम इसकी ड्रा की है ठीक है तो देखिए बी के सारे एलिमेंट्स से सेट ए के अंदर मौजूद थे जीरो वन टू थ्री ज़ीरो वन टू थ्री तो मैंने बी सेट को ए सेट के अंदर ही ड्रा किया ठीक है और इसके एलिमेंट मैंने मेंशन कर दिए फासले फ़ासले पे डिस्टेंस डिस्टेंस पे ठीक है जीरो वन टू थ्री बाकी कौन से रह गए थे माइनस टू एंड माइनस वन तो माइनस टू माइनस वन मैंने यहाँ बाहर लिख दिया ये कहीं पे भी आप लिख सकते हैं लेकिन डिस्टेंस के ऊपर लिखना है कॉमज आपने यूज़ नहीं करना डिस्टेंस के ऊपर जस्ट लिख देना है तो मैंने बी को ए के अंदर ही ड्रा किया क्योंकि बी के सारी एलिमेंट्स से सेट ए के अंदर मौजूद थे बी सब सेट था सेट ए का ठीक है तो बी को मैंने ए के अंदर ही ड्रा कर लिया बी के एलिमेंट जो हैं वो ए के एलिमेंट्स भी होंगे क्यों क्योंकि ए की हदूद के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो जीरो वन टू थ्री माइनस टू माइनस वन ये ए के एलिमेंट्स भी हैं और बी के एलिमेंट्स जस्ट ये हैं जीरो वन टू थ्री तो यही एलिमेंट्स मैंने वेन डाइग्राम के थ्रू ड्रॉ कर दिए ठीक है तो इसी तरह से हमने वेन वेड ड्रा करनी थी ठीक है ओके नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखें इस बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एक्सप्लेन अब वही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्या बी प्रॉपर सबसेट है ए का तो देखें यस yes, बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का क्यों बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी आर एलिमेंट ऑफ सेट ए ठीक है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं जीरो लिहाजा बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का फिर आगे लिखा है एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ए और बी ए के बराबर भी नहीं है जब ये दोनों कंडीशन टू हो जाती हैं कि भाई बी के सारे एलिमेंट्स भी ए के अंदर मौजूद हैं बी ए के बराबर भी नहीं है तो ये प्रॉपर सबसेट है यानी बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए ठीके? तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टेन में रीड कर लेता हूँ गिवन दैट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स एंड इंटीजर्स बिटवीन जीरो एंड टेन तो हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसके अंदर मौजूद हैं इंटीजर्स जीरो और टेन के दरियान ठीक है जीरो और टेन के दरमियान होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये सारे इंटीजर्स जीरो और टेन के बिटवीन होते हैं ठीक है ओके okay. इसके बाद इसने कहा कि सी इक्व एक्स दैट एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर सी जो है वो प्राइम नंबर्स का सेट नहीं है यानी प्राइम नंबर्स का नहीं है तो ये नॉन प्राइम नंबर्स का सेट है या कम्पोजिट नंबर्स का सेट है ठीक है और फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट सी सेट एंड सी कम्प्लीमेंट ठीक है तो आपने यूनिवर्सल सेट सी सेट और सी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स का सेट बनाना है ठीक है इनको सेट नोटेशन के अंदर लिखना है ठीक है यूनिवर्सल सेट था हमारे पास इंटीजर्स बिटवीन जीरो एंड टेन ठीक है तो जीरो और टेन के दरमियान जो इंटीजर्स हैं उनका सेट ठीक है तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट जीरो और टेन के दरमियान इंटीजर्स का ठीक है जीरो और टेन के दरमियान कौन से इंटीजर्स हैं जीरो के बाद आता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है तो ये सारे इंडिजर्स आ जाएंगे ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट इसके बाद सी सेट देखें सी सेट नॉट अ प्राइम नंबर तो नॉन प्राइम नंबर्स का हमने सेट बनाना है लेकिन हमारी जो यूनिवर्सल सेट की रेंज है वो है वन टू नाइन तो वन टू नाइन के अंदर जो नॉन प्राइम नंबर्स हैं वो हम लिख लेंगे ठीक है तो देखें टू थ्री फाइव सेवन ये प्राइम है ठीक है तो वन फोर सिक्स एट नाइन ठीक है तो देखें इसमें वन जो है ये आ जाएगा टू एक प्राइम नंबर है थ्री भी प्राइम नंबर है ठीक है तो ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने प्राइम नंबर्स नहीं लिखने ठीक है फिर फोर आ जाएगा ठीक है फिर फाइव एक प्राइम नंबर है फिर सिक्स आ जाएगा फिर सेवन प्राइम नंबर है एट और नाइन आ जाएंगे ठीक है तो ये नॉन प्राइम नंबर आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट से ठीक है तो याद रखिएगा हमारा जो यूनिवर्सल सेट होता है ये वो सेट होता है जिसके अंदर बाकी के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं ठीक है अब देखें इस सेट के अंदर इस सेट के एलिमेंट्स मौजूद हैं ठीक है लिहाजा ये यूनिवर्सल सेट है ठीक है अब हमने यूनिवर्सल सेट के लिहाज से इसकी रेंज के अकॉर्डिंग हमने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं चूंकि हमारा यूनिवर्सल सेट वन से नाइन तक था तो इसी के अकॉर्डिंग हमने नॉन प्राइम नंबर्स लिखने हैं ठीक है इसी रेंज के अंदर तो वन से नाइन तक जो भी नॉन प्राइम नंबर्स थे वो मैंने लिख दिए ठीक है, है। तो प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ वन से और इट सेट यानी खुद से डिवाइड होते हैं ठीक है बाकी सारे नॉन प्राइम नंबर्स आ जाएंगे तो नॉन प्राइम्स जो हैं वो मैं लिख दूँगा ठीक है इनको कॉम्पोजिट नंबर्स भी कहते हैं ठीक है ओके अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सी का कॉम्प्लीमेंट तो सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सी सेट यूनिवर्सल सेट था हमारा ये और सी सेट था हमारा ये तो ये दोनों सेट मैंने यहाँ पे लिख लिए तो अब देखें माइनस कैसे करेंगे वन देखें इसके अंदर है तो ये नहीं आएगा जो इसके एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं वो नहीं आएंगे बाकी के एलिमेंट्स आ जाएंगे ठीक है तो यूँ हम इसको माइनस कर देंगे वन इसके अंदर मौजूद है ये कट जाएगा टू आ जाएगा ठीक है थ्री आ जाएगा फोर इसके अंदर है ये कट जाएगा फाइव आ जाएगा सिक्स जो है वो कट जाएगा सेवन आ जाएगा और एट नाइन जो है ये कट जाएंगे तो यू टू थ्री फाइव सेवन ही हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है अब देखिए इसके सेकंड पार्ट के अंदर इसने कहा है कि डिस्क्राइब द सेट सी कम्प्लीमेंट इन वर्ड्स तो अगर ये देखें तो ये कौन से एलिमेंट्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं ठीक है टू थ्री फाइव सेवन तो इसी को हमने अब वर्ड्स के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर हमने डिस्क्राइब करना है ठीक है तो मैं लिख लूँगा सी कम्प्लीमेंट इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ठीक है एक तो ये इंटीजर्स का सेट है क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है ठीक है तो इसको इंटीजर्स से मुखाब करेंगे ठीक है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन जीरो एंड टेन तो एक ये भी पता है कि ज़ीरो और टेन के दरियान के इंटीजर्स हैं विच आर प्राइम नंबर्स जो कि सिर्फ प्राइम नंबर हैं ठीक है, है? यानी कि हमारे इंटीचर्स जीरो और टेन के दरमियान जो कि सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा सी का कम्प्लीमेंट ठीक है इस तरह से हमने इसको कम्प्लीटली जो है डिस्क्राइब करना है ठीक है ओके स्टूडेंट तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टेन उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे ठीक है तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जाना चाहता हूँ आपसे